नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। सेवा समर्पण अभियान सप्ताह प्रधानमंत्री अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी सम्मान समारोह संपन्न। आपको बताते चले, आज जनपद सोनभद्र पिपरी प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सोनभद्र द्वारा मोदी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी सम्मान समारोह योजना रेणुकूट मंडल में संपन्न हुआ। बैठक का शुभारंभ भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री रजनीश रघुवंशी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इसके पश्चात केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री रजनीश ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का समूचा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित था। अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की प्रेरणा दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्राप्त हुई, जिसका अनुसरण करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए योजनाएं बनाए व उसके क्रियान्वित उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाएं हैं जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिला और विकास से जुड़े प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान मुक्त राशन वितरण, हर घर नल योजना सहित अनेक योजनाएं गरीब मजदूरों के विकास के लिए समर्पित की। निश्चित ही भाजपा सरकार में समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास हुआ है। इस कार्यक्रम में बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने किया। संचालन भाजपा मंडल महामंत्री प्रदीप सिंह रानू ने किया। इस अवसर पर मुख्य तौर पर मौजूद रहे मंडल अध्यक्ष प्रभाकर के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कुसुम शर्मा, सुमित दुबे, आईटी जिला मंत्री अभय सिंह, क्षेत्रीय आईटी राज वर्मा, आशीष मिश्रा सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।